Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. के वजह से रविंद्र सर के साउंड नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिर हमारे बीच में रविंद्र सर आ चुके हैं। और रियलिटी में जिस बागी बलिया की बात करूं तो हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई जहां से लड़ी गई थी और जहां पे मंगल पांडे जी से लोगों ने जन्म लिया, यहां से रविंद्र यादव जी आज अपनी आवाज से अपनी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही सम्मान के साथ जो डार्क पिंग के बीच में रविंद्र जी को इनवाइट करता हूं, पुनः आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी हम लोगों के बीच में रखें। सर थैंक यू वेरी मच। सर अनुप सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहुत शानदार आ रही सर। ओके थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं सर अनुप जी आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें बोलने का यहाँ मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद से जितेंद्र जी ने योगा सर आपने जो अरेंज किया, मैं पहली बार अभी योगा अटेंड कर रहा था, लेकिन रियली में लग रहा था कि सर जिंदगी में पैसा ही सब कुछ बड़ा मायने नहीं है, ये योगा और हमारे लिए हेल्थ सबसे पहले हमारे आता है, तो वेल्थ तो ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि जो आरसीएम का सच्चा सिपाही है उसको तो वेल्थ आना ही आना है, इसमें कोई डाउट न करे। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय के साथ मेरी बात को शुरुआत करूंगा। अभी हमारे बीच में बीजे बिरोधिया सर जो हमारे गुरु है, मैं गुरुदेव का चरण स्पर्श करके अपनी बात को शुरुआत करूंगा। मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव है, मैं प्रॉपर बलिया सिटी से हूं और जैसे कि अनुप जी ने बताया वो उनका होम टाउन बलिया ही है। बड़ा गर्व होता है हम ऐसे जिला ऐसे शहर से आते हैं जहां पे आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और बाकी देश से सबसे पहला जो जिला था जो राज्य था वो बलिया जिला ही पहले सबसे पहले आजाद हुआ था। तो हमें खुशी मिलती है कि ऐसे हम बागी धरती से है और बागी इसलिए बोला जाता है। लेकिन आज यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के साथ सक्सेस स्टोरी के साथ अपनी बात को रखना है, तो मेरी छोटी सी स्टोरी है, कुछ बड़ा स्टोरी नहीं है। मैं बढ़िया से जो बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा भी बोल पाता हूँ या जो कपड़े पहन पाता हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमारे जो रोल मॉडल है गुरुदेव बीसी सर है, टीसी सर है, केसी सर है, ये सर हर बार हमें अपने मुखबिंदु से हमेशा आकर के बढ़िया से बढ़िया हमें एजुकेशन दिए हैं कि सब कुछ अगर वेल मेंटेन हो जाएगा बशर्ते कि अगर ईमानदारी सब आरसीएम करते रहे। तो मेरी एक स्टोरी क्या है, आरसीएम पहले नहीं जुड़ा था, मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरे को आरसीएम मिला था। मेरी एजुकेशन कैसे चली थी मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। मेरी एजुकेशन इसे मैं ऐसे परिवार से हूं जो अपने घर से अपने खर्चे से मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होने की कंडीशन में था। मैं अपने मामा जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने मामा के यहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं, तो मेरी भी पढ़ाई अपने मामा जी के यहाँ रह करके ही मेरी शुरुआत हुई थी। मेरी छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी में बस यही है कि मेरे स्कूल मेरा घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे था। बचपन से ही मेरी डिस्टेंस ज्यादा था और वहाँ स्कूल में पढ़ने के रीजन यही था कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो हमारे पिताजी से परिचय वाले थे। उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को इतना दूर अगर भेज देते हैं वो आपको कोई दिक्कत अगर नहीं होता है तो हम आपके बच्चों को फीस में कटौती कर देंगे। मैं बिल्कुल एक लोअर से बिलो कैटेगरी के परिवार से आता हूँ। हमारे घर में ये कंडीशन थी कि अगर हमारे को मैं बोल देता था कि मेरे को 5 किलोमीटर दूर जाना है, पापा या मम्मी जो भी हो मेरे को एक साइकिल दिलवा दीजिए ताकि हम साइकिल से स्कूल पढ़ने जाएं, मेरे को साइकिल नसीब नहीं हुई थी दोस्त। मैं 8 से 10 साल तक पैदल ही गया। हाँ जब मैं छोटा सा होता ना, बच्चे पढ़ते हैं तो जिद पकड़ लेते हैं कि मैं पढ़ूंगा, अगर इस लेवल पे जाऊंगा, इस तरह से मार्क्स लाऊंगा तो मुझे साइकिल मुझे चाहिए। तो पिताजी ने बोला ठीक है चलो बढ़िया से मार्क्स पास कर जाते हो तो तुम्हारे को छोटी सी साइकिल जरूर खरीद के देंगे। दोस्त बता दूं मैं 8वीं जब पास किया पूरे स्कूल में पूरे क्लास में सबसे नंबर 1 था पढ़ाई में, सिंगिंग में, डांसिंग में, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस इतनी थी कि पिताजी ने वादा तो कर दिया था कि हाँ आपको साइकिल देंगे लेकिन साइकिल नया नहीं दे पाए थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे पिताजी एक सेकेंड हैंड साइकिल मुझे खरीद के दिए थे। मेरी जिंदगी की बस शुरुआत एक वहां छोटी सी साइकिल से पढ़ाई के साथ शुरुआत हुआ। सिर्फ मैंने हाई स्कूल में गया, हाई स्कूल में भी मैंने टॉप किया, इंटरमीडिएट में भी अपने स्कूल में क्लास में सबसे नंबर 1 में पढ़ाई में रहा, लेकिन एक ही चीज था कि अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है तो कुछ ना कुछ अलग करना है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे आरसीएम किस टाइम पे मिला। बहुत सारे अगर एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, आज मॉर्निंग सेशन में जुड़े हैं, तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की कहानी बताऊं। मैं जब हाई स्कूल में एग्जाम दे रहा था, मार्च में परीक्षा चलता है यूपी बोर्ड का, मार्च में मेरे को आरसीएम में ज्वाइन कराया गया था। उस समय मुझे ये नहीं बताया गया था कि आरसीएम में इतनी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, जो आप एक सेकेंड हैंड साइकिल के लिए परेशान है वो आपको सेकेंड हैंड साइकिल तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा उस साइकिल खरीदने का। साइकिल से मेरी शुरुआत हुई, मैं हाई स्कूल में जब पढ़ रहा था तो मुझे आरसीएम की शुरुआत हुई, मेरे को आरसीएम ज्वाइन कराया गया और ये बताया गया था कि रविंद्र पढ़ लो, पढ़ने के बाद से आपको नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्त अजीब लगता था कि हम पढ़ाई करेंगे और नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से फिट किया जाता है कि आप पढ़ाई कर ही रहे हो नौकरी के लिए,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात बहुत 10-12 साल 12-14 साल पुरानी है, उस समय लोगों को लगता था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग, ये चिटफंड का काम होता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम होता है। लेकिन एक चीज समझ में आई, हमारे गुरुदेव राकेश शर्मा जी है, प्रमोद गुलाटी जी है, विजय बिरोदिया सर है, ये जब जब भी बलिया आते थे एक ही चीज बोलते थे, रविंदर ये आने वाले समय का बिजनेस है। आप ये मत सोचो कि आज आपके साथ में क्या हो रहा है, लोग आपसे क्या क्या बोलने वाले हैं, आप इसकी परवाह ना करो, आप ईमानदारी से कंटिन्यू काम करते रहो, आपको आने वाले टाइम में यही लोग बोलने वाले हैं जो आज आपका विरोध कर रहे हैं कि आरसीएम चिट फंड है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस होता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस होता है, यही लोग आपके पीछे जुड़ करके ये बोलेंगे कि रविंदर जी पहले जुड़ गए थे इसलिए इनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। दोस्त ये कहानी साबित होना शुरू हुई जब हाई स्कूल में जब पास किया, मैं इंटरमीडिएट भी किया, देखिए मैं आरसीएम को पढ़ाई के साथ में करता रहा, मैंने हाई स्कूल भी किया, इंटरमीडिएट भी किया, सतीश चंद कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर लेवल भी मैंने कंप्लीट किया, ओ लेवल का कोर्स जो होता है। लेकिन हाँ, जब तक मैं एजुकेशन कंप्लीट करता रहा, मेरे को आरसीएम इस तरह से इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिया था कि रियली मैं मुझे पढ़ाई के साथ साथ में, पढ़ाई खत्म होने के बाद में नौकरी की चिंता तो थी ही नहीं। ये मेरी पहली सक्सेस स्टोरी रही है कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ में आरसीएम को करते हुए जब शुरुआत किया तो मेरी भी शुरुआत 523 रुपया से शुरुआत हुई थी आरसीएम की। दोस्त उस समय चेक वो आया करता था, अब तो फंड ट्रांसफर की कहानी है, चेक आया था मेरे घर में, जब बड़ी खुशी हुई थी कि चेक मेरे नाम से है, रविंद्र कुमार यादव नाम लिख करके। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे नाम से किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं था, मैं इस चेक को विड्रॉ कहां से कराऊं ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्त बता दे, आज मेरी रियल कहानी है, वो जो 523 रुपया का जो चेक था आज भी वो विड्रॉल नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा उसके बाद अकाउंट खुला तो बैंक वाले ने ये बोला कि आपका चेक का डेट पहले का है, अकाउंट बाद में खुला है, तो अब इसके बाद वाला चेक तो आपका विड्रॉ हो जाएगा लेकिन ये चेक आपका विड्रॉ नहीं होगा। दोस्तों वो चेक आज भी मुझे विड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से बैंक वाले ने ये भी बोला कि जो भी चेक मंगाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मांगेंगे तो आपका जल्दी पैसा आपका विड्रॉल हो जाएगा, कैश हो जाएगा। दोस्तों कंपनी ने हर बात को समझी, हमारे को मैंने उस समय चिट्ठी लिखा करते थे सर, मेल का सिस्टम नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ईमेल कैसे किया जाता है, तो फिर स्टेट बैंक का चेक आना शुरू हुआ, 523 रुपये से सफर की स्टार्ट हुई थी। दोस्तों अगर आज टोटल इनकम की बात करें, और मैं जहां पे जिस परिवार में रहता हूँ, क्योंकि मैं बलिया से 35 किलोमीटर दूर गाँव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज अगर मैं प्रॉपर मेन सिटी में अगर मैं रहता हूँ तो ड्यू टू आरसीएम बिजनेस, अगर प्रॉपर शहर में अपनी मकान में बनाया हूं तो ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। मैं अपनी कहानी बता रहा था ना कि मेरे साइकिल, मुझे साइकिल खरीदने का पिताजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ड्यू टू आरसीएम, आरसीएम में आने के बाद से मैं एक नहीं, साइकिल तो छोड़िए, साइकिल का तो कोई जगह नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मोटरसाइकिल की सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई कि नहीं मोटरसाइकिल चाहिए तभी तो फील्ड में काम करेंगे। मोटरसाइकिल में एक एक नहीं, 8 मोटरसाइकिल अभी तक मैं परचेज कर चुका हूं। और मैं कहानी बता दूं, मोटरसाइकिल से जब हम फील्ड में निकलते थे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो साइकिल से या मोटरसाइकिल से निकलते हैं तो ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी भी लगती है, बरसात में भीग भी जाते हैं, कहीं हम छत का आसरा लेना पड़ता है कि हम कहीं पर खड़ा होकर के अपने सर को छुपा लें। लेकिन दोस्त यही विजय बिरोदिया सर, यही प्रमोद गुलाटी सर, यही राकेश सर, यही बीसी छबड़ा सर, ये बोलते थे रविंदर चिंता ना करो, कुछ दिन और जम के मेहनत कर लो, एक ऐसा समय आएगा ना आपको ठंडी लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना बरसात की कोई चिंता रहेगी। दोस्तों 2004 से इस सफर की शुरुआत करवाए थे, 2006 में मेरे शादी हुई, शादी में मेरा सपना था कि 2 साल के अंदर, मैं सर ने बताया ना कि 2 साल के कम समय में, 2 साल में मैंने वो अपना अचीवमेंट लिया, तो मैंने टारगेट बनाया कि नहीं अगर शादी होती है, अगर घर में अगर पत्नी आती है तो अपनी कार में आनी चाहिए। मैं साइकिल खरीदने की क्षमता नहीं थी पिताजी को, मोटरसाइकिल मुझे दिया आरसीएम ने, और कार 2006 में आरसीएम की कमाई से, अपनी कमाई से। मुझे फक्र होता है कि हम अपने माँ बाप के पैसे से नहीं अपनी मस्ती करते हैं, माँ बाप के पैसे से नहीं अपने आप को बड़ा मानते हैं, हाँ अपने पैसे से कमा करके हमने अपने को जब कार खरीदा पहली बार, हमारे उस, मुझे याद है कि केसी छबड़ा सर का प्रोग्राम लगा था बलिया में, मैंने बोला था कि सर आप अगर आपका चरण पड़ेगा तो पक्का मेरे घर में 4-व्हीलर आएगी। मुझे आज भी याद है, अगस्त का महीना था और केसी छर का बलिया में आगमन हुआ था, मैंने बोला कि सर आपके हाथों से ही गाड़ी का रिबन कटेगा। मेरी लाइफ की पहली जो गाड़ी थी, जो उस समय बहुत बड़ी मायने मान रखते थे कि एक साइकिल मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का अगर 5 लाख की कार खरीदता है तो बहुत बड़ा उस समय वैल्यू माना जाता था। मेरे घर में पहली जो गाड़ी आई थी वो टाटा इंडिका कार आई थी 5.5 लाख रुपए की। पूरे घर में माहौल था, जश्न का माहौल था, पूरे जिले में एक नाम हो गया कि नहीं रविंदर आरसीएम करके ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों ये अचीवमेंट था नहीं, क्योंकि अचीवमेंट अभी बहुत आना बाकी था।
क्योंकि गाड़ी तो ले लिए थे लेकिन घर नहीं था बलिया में। मेरी गाड़ी किसी दरवाजे के सामने खड़ी होती थी, कोई बोलता था नहीं इधर हटा के रख दीजिए, उधर हटा के रख दीजिए। वो गाड़ी धूप में भी जलती थी, बरसात में भीगती थी, तो घर वाले मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं यार गाड़ी तो खरीद लिए हो, गाड़ी रखने की कोई जगह तो लाओ कम से कम। उस समय बलिया में मैंने जमीन प्लाट भी नहीं लिया था, लेकिन आज यहाँ पे अपने घर में अपनी प्लाट मैंने लेगा, अपनी गाड़ी को उसमें जब रखने का जगह बना लिया। लेकिन आप लोगों को भी पता है अगर पुराने साथी हैं तो, क्योंकि हम पुराने साथी हैं, पुराने साथियों को पता है कि 2011 और 12 का जो दौर था वो आरसीएम के लिए बड़ा टफ कंडीशन था। विजय विरुधिया सर उसके गवाह है, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया आरसीएम को लेकर के। लेकिन जब दोबारा आरसीएम में शुरुआत हुआ, 1-1.5 साल तक हम सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लग रहा था कि नहीं आरसीएम को फिर से नहीं स्टार्ट हम कर पाएंगे, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों विश्वास कहा जाता है और ईमानदारी, आरसीएम की ईमानदारी और हम सभी साथियों का डेडिकेशन, जो ईमानदारी जो विश्वास था ना, वो आरसीएम को दोबारा स्टार्ट जब किया, तो दोबारा जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने ये कहा कि जो पहले जुड़ा था वो तो कामयाब हो गया, अब किसी की हिम्मत हो तो ना पार्ट टू में, जिसको हम आरसीएम पार्ट टू बोलते हैं, पार्ट टू में अगर किसी की इरादा हो ना, हिम्मत हो ना, तो कुछ अब बड़ा करके दिखाए। दोस्तों बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत सारे साथियों ने बोला कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि दोबारा आप अचीवमेंट ले सकते हैं। मैंने बोला कि चलिए मैं फिर से काम करता हूँ मेरी नाम से, मेरे जो नाम से आईडी रविंद्र कुमार यादव के नाम से, वो मेरी स्टार पल का लेवल मेंटेन उस समय हुआ करता था। फिर से जब बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया, पार्ट टू जब शुरुआत हुई, तो मैं अपनी वाइफ के नाम से एक आईडी डाला। मैंने बोला कि चलो मैं फिर से एक आईडी को एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल तो था, स्ट्रगल ये था कि लोग बोलते थे कि कंपनी अब बंद हो गई, दोबारा स्टार्ट तो होने वाली है नहीं, और हुई है तो आज तक बताओ ना कौन सी कंपनी दोबारा फिर से स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट हुई तो कौन सा लेवल लीडर है जो उस पुराने लेवल को मेंटेन कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, मैं वाइफ के नाम से आईडी लिया, मैं उस आईडी पे भी स्टार पर दोबारा फिर से मैंने मेंटेन किया। दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी में और मेरे घर में बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारे चीज आए। हाँ थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि अगर हमको थोड़ा सा स्ट्रगल जब आता है, अगर बिजनेस बड़ा चलता है तो बड़ा हम खुश रहते हैं, अपलाइन का भी रिकॉर्ड करते हैं, डाउनलाइन से भी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बिजनेस जब थोड़ी सी डाउन होती है तो हम सबसे रिश्ता खराब करना शुरू कर देते हैं। दोस्त ऐसा इस बिजनेस में कभी भी किसी अपलाइन से या डाउनलाइन से, लाइफलाइन से कभी भी रिलेशन मत खराब कीजिएगा। कब बिजनेस कहाँ से लेगा, कब कैसे, आपकी मेहनत का फल कितना जल्दी मिलेगा, इसका अंदाज आप लगा नहीं सकते हैं। कुछ समय बिता, जब दोबारा पार्ट टू शुरू हुआ, बिजनेस को स्ट्रगल में ये कंडीशन था, हम लोग अगर घर से निकलते थे लोग बोलते थे कि अरे क्या फालतू की मेहनत करो, एक बार कोई सामान जब बिगड़ जाता है दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाता है। लेकिन दोस्त दोबारा जब स्टार्ट हुआ, बलिया में सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस आती थी डिलीवरी सेंटर को लेकर के, क्योंकि कोई पिकअप सेंटर वाला राजी नहीं होता था कि फिर से हम 5 लाख 10 लाख लगा के इस पिकअप सेंटर को बड़े रूप में लेके जाएंगे। लेकिन दोस्त बता दे, अगर आप लगे रहेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना कि 10 लाख आरसे में नहीं, 50 लाख लगाने वाले भी लोग आपको बलिया में आपको खड़े हो जाएंगे। ऐसे हमारे सीनियर गुरुदेव हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। दोस्त बता दे 2019 में यहाँ पे कोई 10 लाख लगा करके पिकअप सेंटर लगाने के बिलीव नहीं होता था आरसीएम में, बोलता नहीं आरसीएम में फिर उतना माहौल नहीं बना पाएंगे। लेकिन 2019 में बता दे दोस्तों, बलिया में रसड़ा बलिया में एक आप देखे होंगे नेट पे कि डिपो मैंने ओपन करवाया, 50 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी लगती है डिपो के लिए, क्योंकि प्राइवेट डिपो मिलना शुरू हुआ जब कंपनी से, तो मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करा करके मैंने डिपो स्टार्ट करवाया। और जब जिस दिन डिपो स्टार्ट हुआ, अगल बगल के 4 जिले का बिजनेस ऐसा बूम किया, सारे लोगों ने बोला कि सर आपने संजीवनी का काम कर दिया, क्योंकि डिपो नजदीक हो गया तो छोटे छोटे हमारे जो एरिया में पिकअप सेंटर हैं वो पिकअप सेंटर वाले लोग ऑटोमेटिक अब जिंदा हो जाएंगे और हम उनका सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जिस एरिया में पिकअप सेंटर का सेल बढ़ेगा दोस्त, अगर आपका उस एरिया में बिजनेस है तो सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों मेरी सक्सेस स्टोरी की कहानी एक और पड़ाव आती है 2020 में। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी थी, लोग बार बार बोलते थे यार क्या वही पुरानी गाड़ी लेकर चल रहे हो, अब इंडिका का कोई तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप चला रहे हो, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मैंने लोग अपने से सोचने विचारने लगते हैं कि ऐसा भी होता है, तभी तो गाड़ी इनकी बदल नहीं रही है। लेकिन दोस्तों मैं 2020 में जनवरी 2020 में हमारे सबके विजय विरुधिया सर के भी गुरु में ही आते हैं मिस्टर राकेश शर्मा सर, उनके हाथों से मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा सा बदलाव करने के बाद तो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आरसीएम में दोबारा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि हम दोबारा क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि पुराने साथियों को तो दोबारा चैलेंज था, नए साथियों को भी बिलीव होना चाहिए कि नहीं आरसीएम में फिर से बहुत कुछ किया जा सकता है। 2020 में 21 जनवरी का डेट मुझे आज भी याद है, मैं जाकर के अपनी पुरानी गाड़ी को
साइड किया और मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे नई गाड़ी लेनी है दोस्तों। और आज के बीच में अनूप जी गवाह है, जब भी बलिया आते हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है। मैंने ब्रेजा का बिटारा ब्रेजा जी वो गाड़ी बहुत बढ़िया उस समय डिमांड थी, मैंने 12.5 लाख की टॉप मॉडल मैंने ब्रेजा गाड़ी खरीद के लाया। तब लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। मैं क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिला था, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि ऐसे ऐसे महागुरु हमारे बीच में जुड़े हुए हैं कि उनकी बातों से सुन के ही मेरे घर में आया है। मैं जो कुछ भी कमाया हूँ, चाहे आरसीएम के बोलने का तरीका कमाया हूँ, या कपड़ा पहनने का तरीका कमाया हूँ, या पैसा कमाया हूँ, तो अपने गुरुजनों के माध्यम से, बीसी सर, केसी सर, विजय बिरोदिया सर, राकेश सर, प्रमोद गुलाटी सर, ये सारे लोगों वो मिलकर के हमारे जो भी अर्निंग कराए हैं सभी लोगों ने कराया है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं दोस्तों, आप ज्यादा चिंता ना करें। आपको विरोध करने वाले अगर सबसे ज्यादा अगर आपको मिलते हैं तो समझिए कि सक्सेस सबसे ज्यादा आपको ही मिलने वाली है। विजय बिरोदिया सर को याद भी है, जब बलिया में पहली बार सर को मैंने प्रोग्राम लगवाया था, तो सर को बक्सर ट्रेन थी, सर को पता नहीं ये याद होगा कि नहीं होगा, मैंने बोला कि सर आपकी बक्सर में 1:30 बजे ट्रेन है और 12 बजे बलिया में मीटिंग है, और ऐसे कैसे आप जा सकते हैं 1:30 बजे, क्योंकि 1 घंटे का सफर है, वो कैसे हम आपको छोड़ सकते हैं। बोले कि सर चिंता ना करो, गाड़ी आपकी है ना, ड्राइविंग मैं करूंगा। मुझे आज भी याद है, विजय बिरोदिया सर ने अपने हाथों से ड्राइविंग करके इतना फास्ट गाड़ी चला करके हमने सर को बक्सर स्टेशन पर छोड़ा था, वो आज भी दिन याद है। कि हम जिंदगी में अगर टारगेट ले सकते हैं ना कि हम मुझे ये करना है, तो 100% हो सकता है। विजय बिरोदिया सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच में। तो बहुत सारी कहानी है हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आया। आज मुझे खुशी होती है कि हमारे फादर मेरे को सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के दिए थे, लेकिन मेरा बेटा इस समय अगर 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहा है, 27 मार्च को उसका पहला पेपर है। मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा साइकिल पे नहीं अपना एग्जाम देने जाएगा, मोटरसाइकिल पे एग्जाम देने जाएगा, अपनी कम से कम अपनी पापा की कमाई से, अपने पापा के आरसीएम की कमाई से अपनी कार में एग्जाम देने जाएगा। इतनी जब जिंदगी में बदलाव आता है, जो बच्चे जो हमारे जिंदगी में हमारे को पढ़ने के लिए, मैं अपने मामा का सहारा लेकर के पढ़ाई किया था, आज मेरा बच्चा बलिया स्कूल का जो टॉप स्कूल है उस स्कूल में एजुकेशन लेता है ड्यू टू आरसीएम। मैं अपने लाइफ में आरसीएम के अलावा कुछ भी नहीं किया हूं। बहुत सारी कंपनियां आई दोस्त, मैं थोड़ी सी आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा, 2 मिनट का टाइम अनु जी और मैं लेना चाहूंगा। बहुत सारी कंपनियां आई है, बहुत सारे लोगों ने, ये क्वाइन सिस्टम है, पता नहीं, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा, उसमें जा जा करके लोगों ने बोला कि नहीं, इसमें रातों रात अमीर बनाया जा सकता है, इसमें करोड़ों की कार लिया जा सकता है। लेकिन मैंने को बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो आरसीएम से मिला है ना वो सबसे ज्यादा मिला है, क्योंकि मुझे सुकून का जिंदगी चाहिए था, मैं ईमानदारी का बिजनेस करना चाहिए था। मेरे को सुकून मिलता है आरसीएम करने में। बहुत सारे लोग हमारे बाद जाकर के पैसा तो कमाए, लेकिन आज कंडीशन ये बनी है कि वो बलिया में नजर मिलाने के कंडीशन में नहीं है, वो अपने जिला को छोड़ चुके हैं। तो ऐसा पैसा कमाने का क्या मतलब है कि जब आप अपने के बीच से लोगों को भगा दिया जाता है, तो वैसी कमाई हमें नहीं मिलता है। आरसीएम में शुद्ध ईमानदारी का बिजनेस होता है, आपका मेहनत का पैसा होता है, और अगर ईमानदारी से मेहनत से अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपको आज नहीं, चिंता न करें, 5 साल 10 साल भी लगता है, लोग सोचते हैं कि 10 साल में कामयाबी नहीं मिलती है, आप अगर ईमानदारी से करेंगे तो 1 साल काफी है। उस समय ये स्ट्रगल था कि अगर हमको अगर नमक लेना होता था तो हम नमक के लिए कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाकर के पिकअप सेंटर से 25 किलो को बोरी लाद करके मोटरसाइकिल अपने घर रख करके अपने अड़ोसी पड़ोसी को नमक खिलाते थे, क्योंकि डिलीवरी सेंटर इतना करीब नहीं हुआ करता था। लेकिन आज कंडीशन ये है कि पिकअप सेंटर, अब तो सबसे बड़ा चीज है, कंपनी ने कितना बड़ा पावर हमें दे चुका है कि डिस्प्ले वाल का सिस्टम दिया है। डिस्प्ले वाल के माध्यम से हम अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने दोस्त मित्र को, जो नजदीकी पिकअप सेंटर नहीं है, आप अपने डिस्प्ले वाल के माध्यम से अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आपने ज्वाइन कराया है, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी आराम से डिलीवरी कर सकते हैं जी। बहुत सारे ऑप्शन चेंज हुए हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक का डेली टेक्निकल अचीवर का जो मीटिंग होता है, सभी लोग पता है जो टेक्निकल अचीवर है कि कंपनी की कितनी बड़ी तैयारी है। दोस्त आपने फरवरी में जाकर के कंपनी का एक रूप देखा है, वो तो अभी शुरुआत हो रहा है, आरसीएम वर्ल्ड की शुरुआत हो रहा है। अभी देखते जाइए आने वाले समय में आरसीएम वर्ल्ड में क्या क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किया जाएगा और आपके जिंदगी में कितना बदलाव होने वाला है। बस ईमानदारी से अपने सीनियर के कहे हुए बातों पे और कंपनी के कदम चिन्हों पे चल करके आप आरसीएम में 100% नहीं, 110% आप कामयाब और सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरी स्टोरी 15 मिनट की थी। अनुप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहले जितने भी इसमें महागुरु जुड़े हुए हैं सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें जो बोलने का मौका दिया है, रियली में बड़ा अच्छा लगा। और 100% मैं वादा करता हूं कि मॉर्निंग मिरेकल मॉर्निंग में
पर डे का जो स्टूडेंट मैं भी बनना चाहूंगा और मैं 100% जोड़ूंगा। जितेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने योगा सेशन जो स्टार्ट कराया है डेली का डेली, मैं भी इस प्रोग्राम में अटेंड करने का 100% प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एंटी आपने तो अपनी कहानी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के दिल को टच किया है, और मुझे मालूम है कि बलिया एक बहुत अच्छी जगह है, और बलिया में को अगर बोला जाए तो बलिया को भृगु की धरती से भी जाना जाता है। और रविंद्र सर ने बताया, रविंद्र सर का भी बहुत अच्छा वहाँ पे मकान है, और मेरा भी भृगु एकदम जो हमें मतलब मेन वो चीज़ है भृगु मंदिर, उसके जस्ट सामने मेरा बहुत ही शानदार बहुत बेहतरीन मेरा तजर्बे रवि सर ने दिखाया, बहुत ही शानदार मकान है वहाँ पे। तो इस बिजनेस के माध्यम से जो कुछ भी हमने बताया बहुत अचीवमेंट है, मतलब हर की किया जा सकता। अब भी कोई डाउट हो कोई शंका हो तो मैं बता रहा हूँ कि अब अपने पास में कोई हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दे। रियलिटी लोगों की सक्सेस की कहानी है, जो मानने को तैयार है, अपने सीनियर को फॉलो करने को तैयार है तो वो व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। एक कहानी आती रही, कल भी एक नई कहानी, एक ऐसी सक्सेस की कहानी जो कि बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी कहानी आपके सामने आएगी। तो उन्होंने बहुत आरसी एंड द ड्रीम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेयर ड्रीम्स कम ट्रू कम